Good morning, class. So today we do exercise B, that is fill in the blanks of lesson first. So now start. First of all, write date here. 14/4/2020. Now write classwork here. And now here write exercise B, fill in the blanks. Now number one is living things blank on their own. Number two, dash things do not have babies. Number three, blank is a natural things. Okay, now let's understand this, then write answer here. So first is living things blank on their own. That means living things apne aap se kya karta hai? Guess. मूव भी कर सकता है और ग्रो भी कर सकता है. सो इन दोनों में से हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स हम लिख देंगे यहाँ पे मूव. तो अब क्या हो जाएगा, लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन. लिविंग थिंग्स अपने आप से मूव कर सकता है. नाउ नंबर टू, डैश थिंग्स डू नॉट हैव बेबीज. दैट मीन्स किसके पास कौन सी चीज़ के बेबीज नहीं होते हैं. लिविंग, अब हमने यहाँ पे फोर थिंग्स पढ़े थे, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. सो नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स में ऐसा कुछ भी नहीं था, बट लिविंग थिंग्स में एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों में से किसके बेबीज नहीं होते. लिविंग थिंग्स के बेबीज होते हैं, तो बचा कौन, नॉन लिविंग थिंग्स. सो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, नॉन लिविंग थिंग्स. नाउ नंबर थ्री, डैश इज अ नेचुरल थिंग्स. सो यहाँ पे कोई भी एक नेचुरल थिंग का नाम लिखना है. सो मैंने बहुत सारे नेचुरल थिंग्स के एग्जांपल बताए थे, जैसे सन, वाटर, क्लाउड, माउंटेन एंड मैनी मोर एल्स. सो यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल लिख देना है. सो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाटर. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी, दैट इज फिल इन द मिसिंग लेटर. अब इसमें क्या करना है, हमें कुछ लेटर्स, एक वर्ड है जिसमें कुछ लेटर्स मिसिंग रहेंगे, हमें उसे फाइंड आउट करना है. सो नंबर वन इज
Number one is dash u dash. Okay, यहाँ पे सिर्फ एक दो letter missing है जो हमें find out करना है, guess करना है. Number two is h dash dash h dash. And number three is s dash dash p. Number four s dash e dash p. So अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे. सो नंबर वन क्या हो सकता है, या तो उसमें से कोई लिविंग थिंग ही होगा या नॉन लिविंग थिंग, उसके अलावा कुछ नहीं हो. तो ये क्या हो जाएगा, सन, एस यू एन, सन. नाउ दिस वन इज व्हाट, एच है और एस है, दैट मीन्स ये हो जाएगा हॉर्स, एच ओ आर एस ई. एंड दिस वन इज ship, s h i p, ship. So ये क्या है, sheep, s h e है ही एक और एक e, p, sheep. So जिस तरह मैंने लिखा है आप लोगों को भी वैसे ही कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके क्लास, थैंक यू.